हेलो एवरीवन। सो आज है संडे स्पेशल मॉम की रेसिपी कोफ्ते का सालन, जो कि मैंने बहुत पहले शॉर्ट में अपलोड किया था और वो बहुत ही वायरल हुआ था। सो यहाँ पर है उसकी फुल रेसिपी। दो लहसुन, डेढ़ जीरा, डेढ़ चम्मच, 10 से 12 काली मिरी, एक टुकड़ा दालचीनी, 5 लौंग, 4 इलायची, ये कोफ्ते का मसाला और ये है सालन का मसाला। 2 टमाटर, 2 कांदा, इतना सा सूखा खोपरा, हरी मिर्च, आधा किलो मटर, आधा किलो मटर। अभी इसको ग्राइंड करूँगी। सो इसमें मोस्टली मैंने अपनी मॉम की आवाज़ ही रखी है, अपनी आवाज़ नहीं डाली है। सो ये है, हम मसाले की तैयारी कर रहे हैं, सारा गरम मसाला, देन ये जो खाने वाला चना होता है वो, लहसुन, वो सब इसमें डाल के इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन के अलावा इसमें अदरक भी जाएगा। सो मम्मी यहाँ पर बड़े बड़े पीस कर रहे हैं, बिकॉज़ उसको लास्ट में तो ग्राइंड करना ही है। सो उसके अगर बड़े बड़े पीस करेंगे तो भी वो ग्राइंड हो जाएगा। थोड़ा सा मम्मी ने अलग से निकाल के रखा है, एंड पहले इसको हम करेंगे अच्छे से ग्राइंड। पानी डालने का, अच्छा सा महीन पेस्ट बना के, एकदम पेस्ट और बारीक हो गया, थोड़ा सा और बारीक करना, उसको निकाल देगा इसमें। फिर मटन डाल दो, थोड़ा थोड़ा करके डालने का, पीस जाने के बाद मैं सब किया। जब तक मम्मी ये मटन को ग्राइंड कर रहे हैं, तब तक आप लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना फॉर सच यम्मीएस्ट रेसिपीज़। सो ये तो एकदम अच्छी तरीके से पूरा ग्राइंड हो चुका है, ये हमने जो सबसे पहले पेस्ट बनाया था वो। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे, एंड वो भी कैसे वो मॉम आपको बताएंगे। हरी मिर्च, मैं आधा चम्मच जीरा, और इसमें कांदा इसलिए डाल रहे हैं मम्मी थोड़ा सा, ताकि वो एकदम सॉफ्ट और महीन पेस्ट बन सके। इसके वजह से अलग से हम कांदे को भी पीसेंगे। कांदा डालने के बाद में ये ऐसा एकदम सॉफ्ट पेस्ट बन गया है। अब हम करेंगे कांदे को ग्राइंड और कांदे का एक पेस्ट बनाएंगे, बिकॉज़ वो भी हमें सालन में यूज़ होगा। सो कांदे का पेस्ट बन चुका है, अब बारी है टमाटर की। ये जो प्रीवियस सारे मसाले हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। सो अब हम कांदे को, सॉरी टमाटर को अच्छे से स्लाइस करके इसका पेस्ट बन जाएगा, एंड वो पेस्ट कुछ ऐसा दिखेगा। पिसा हुआ मसाला आधे से ज़्यादा इसमें डाल, एकदम थोड़ा सा ही बचाना है ग्रेवी के लिए। नमक, नमक स्वाद अनुसार, कैसा नमक खाते हो इस हिसाब से। आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, 2 बड़े भर के तीखा के, किस हिसाब से खाते हो उस हिसाब से तीखा बनाने का, 2.5 चम्मच मिर्ची पाउडर, 2 से 3 चम्मच के पास, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। उसको मिक्स करेंगे। सारे मसाले मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, तीखे के हिसाब से। अब मम्मी ने इसको अच्छे से मिक्स किया, नमक थोड़ा सा कम था, यस हम लोग हाथ से ही करते हैं, राउंड राउंड बॉल अच्छे से गोल बना लिया उसको, ताकि उसको फ्राई कर सके। सो मम्मी इसको मस्त शेप दे रहे हैं गोल गोल। अब इसको हम करेंगे डीप फ्राई। तेल भी यहाँ पर हल्का हल्का गर्म हो चुका है, सारे उसमें राउंड बॉल्स को हम ऐड करेंगे। फ्राई होने के बाद में वो इतना क्रिस्पी और टेस्टी दिख रहा है, मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है। आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा है तो सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड अब वही जो तेल था उसमें से थोड़ा सा तेल निकाल के हम उसमें ही ग्रेवी की तैयारी करेंगे। सो ये सबसे पहले इसमें मम्मी ने डाला है, बड़ी इलायची ऐड किया है, उसके बाद तेज़पत्ता, अब थोड़ा सा ज़ीरा, इसको अच्छे से हम हिलाएंगे, स्टर करेंगे, उसके बाद होगा बाकी सब मसालों का ऐड इसमें। सबसे पहले जो हम लोगों ने कांदा पेस्ट बनाया था उसको ऐड किया है इसमें।
कांदे के पेस्ट को अच्छे से सुनहरा होने तक उसको एकदम अच्छे से पकाएंगे। और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी कि मेरा अभी भी मन कर रहा है कि मैं फिर से वो सालन और वो ग्रेवी खाऊं। अभी जो पेस्ट बनाया था ग्रीन चिली और लहसुन का और कांदा डाल के वो पेस्ट ऐड किया है इसमें, इसको अच्छे से हम स्टर करेंगे। अब जो बचा हुआ मसाला जो हम लोगों ने मिक्स करते वक्त रखा था वो इसमें ऐड करेंगे एंड इसको एकदम अच्छे से पकने देंगे ताकि इसमें से कोई भी कच्चे मसाले की बास ना आए। देन एक छोटी सी कटोरी में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर लेके उसको पानी ऐड करके उसको एक पेस्ट बनाएंगे एंड देन हम इस ग्रेवी में उसको ऐड करेंगे। ये मेरी मॉम की टेक्निक है, सो मुझे नहीं एग्जैक्टली पता है कि ऐसा क्यों करता है, बट दिस इज़ द टेक्निक यू हैव टू यूज़ अगर आपको सेम टेस्ट चाहिए। उसको थोड़ा सा पानी डाल के एकदम अच्छे से पेस्ट बना के हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये पकने के बाद कितना प्यारा दिख रहा है। मम्मी ने नमक ऐड किया स्वाद अनुसार। ये थोड़ा सा हम साइड में पानी गरम करेंगे जो बाद में उसमें ऐड होगा। ये टमाटर प्यूरी जो हम भूल गए थे उसको ऐड किया इसमें। कितना प्यारा दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाले का एक चम्मच ऐड किया है मम्मी ने। इसकी आवाज़ सुन सकते हो आप लोग, बहुत ही टेस्टी बना था ये, मुझे अभी भी याद आ रहा है वो। सो अब इसमें ऐड किया है हम लोगों ने गरम पानी जो हमने पहले किया था एंड उसको एकदम अच्छे से हम मिक्स करेंगे एंड ये हो गया है ऑलमोस्ट रेडी। और इसमें अब हम ऐड करेंगे हमारा मेन हीरो जो कि है कोफ्ते एंड उसके बाद थोड़ी सी गार्निशिंग और ये हो चुका है पूरा का डन डनाडन। सो मम्मी ने इसको कोथमीर से गार्निश किया है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अगर आप लोगों को ऐसी रेसिपीज़ देखना पसंद है सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।